सब्सक्राइब करिए करियर वॉकर को और बेल आइकन को भी दबाइए ताकि लेटेस्ट वीडियो सबसे पहले देखने के लिए। स्वागत है आपका एजुकेशन न्यूज के एक फ्रेश एपिसोड में। तो चलिए जान लेते हैं आज का लेटेस्ट एजुकेशन न्यूज हेडलाइंस एंड अपडेट्स। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने राष्ट्रीय शिक्षा नीति NEP 2020 पर आयोजित एक ई कॉन्क्लेव को संबोधित किया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि जहां तक संभव हो पांचवी कक्षा के बच्चों को उनकी मातृभाषा में पढ़ाना जाना चाहिए। नई शिक्षा नीति में प्रावधानों का समर्थन करते हुए प्रधानमंत्री ने कहा कि राष्ट्रीय शिक्षा नीति आने के बाद देश के किसी भी क्षेत्र से किसी भी वर्ग से यह बात नहीं उठी कि इसमें किसी तरह का पक्षपात है या किसी एक ओर झुकी हुई है। पीएम मोदी ने कहा इस बात को कोई विवाद नहीं है कि बच्चों के घर की बोली और स्कूल में पढ़ाई की भाषा एक ही होने से बच्चे के सीखने की गति बेहतर होती है। यह एक बहुत बड़ी वजह है जिसकी वजह से जहां तक संभव हो पांचवी कक्षा तक बच्चों को उनकी मातृभाषा में ही पढ़ाने पर सहमति दी गई है। इसमें बच्चे की नींव तो मजबूत होगी ही, उनकी आगे की पढ़ाई के लिए भी उनका बेस और मजबूत होगा। पांचवी कक्षा तक के बच्चे को उनकी मातृभाषा या क्षेत्रीय भाषा में पढ़ाने को लेकर नई शिक्षा नीति के प्रावधान पर प्रधानमंत्री ने यह कहा है। वहीं आपको बता दें, प्रधानमंत्री मोदी का बयान ऐसे समय पर आया है जब तमिलनाडु सरकार ने 3 लैंग्वेज फॉर्मूले को रिजेक्ट करते हुए इस प्रावधान को राज्य में लागू करने से इनकार कर दिया है। प्रधानमंत्री ने कहा अब सरकार का ध्यान इस नई नीति को लागू करने पर है। साथ ही उन्होंने कहा इस चैलेंज को देखते हुए व्यवस्थाओं को बनाने में जहां कहीं कुछ सुधार की आवश्यकता है वो हमें सबको मिलकर ही करना है और करना ही है। मध्य प्रदेश बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन यानी कि MPBSE ने 12वीं क्लास के स्पेशल एग्जाम्स के लिए शेड्यूल जारी कर दिया है। यह स्पेशल परीक्षा COVID-19 संक्रमित और दिव्यांग छात्रों के लिए आयोजित की जाएगी। परीक्षा 17 अगस्त से 21 अगस्त को आयोजित की जाएगी। यह स्पेशल एग्जाम्स उन छात्रों के लिए आयोजित किए जा रहे हैं जो जून में परीक्षाओं के दौरान कोरोना वायरस संक्रमण का शिकार हो गए थे और इसकी वजह से परीक्षा नहीं दे पाए थे। इन स्टूडेंट्स के लिए परीक्षा केंद्रों को हर दिन परीक्षा के शेड्यूल के हिसाब से सैनिटाइज किया जाएगा। प्रत्येक परीक्षा केंद्र पर सैनिटाइजेशन उपलब्ध कराए जाएंगे। छात्रों को पानी पीने के लिए डिस्पोजल ग्लास का उपलब्ध कराए जाएंगे। परीक्षा देने वाले सभी छात्रों को और सभी स्टाफ मेंबर्स को मास्क पहनना अनिवार्य होगा। सभी को सोशल डिस्टेंसिंग नियमों का पालन करना होगा। परीक्षा केंद्र पर थर्मल स्क्रीनिंग की सुविधा प्रदान की जाएगी और अगर किसी छात्र में बुखार पाया गया तो उचित कार्रवाई की जाएगी। परीक्षा के लिए एडमिट कार्ड मध्य प्रदेश बोर्ड की आधिकारिक वेबसाइट के जरिए ऑनलाइन ही जारी की जाएंगे। बता दें कि आपको मध्य प्रदेश बोर्ड ने हाल ही में 10वीं और 12वीं क्लास के स्टूडेंट्स की रिजल्ट जारी की है। झारखंड एकेडमिक काउंसिल यानी कि JAC ने कक्षा 10वीं और 12वीं की कंपार्टमेंट परीक्षा के लिए ऑनलाइन आवेदन शुरू कर दिया है। ऐसे में जो भी छात्र एक या एक से अधिक विषयों में असफल हुए थे वो jac.jharkhand.gov.in पर ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। स्टूडेंट्स ध्यान दें कि कक्षा 10वीं के लिए आवेदन करने की अंतिम तिथि 25 अगस्त है जबकि कक्षा 12वीं की कंपार्टमेंट परीक्षा के लिए अंतिम तिथि 26 अगस्त है। आवेदन वैकल्पिक विषय सहित केवल 3 विषयों में कंपार्टमेंट परीक्षा के लिए ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं आप। कर्नाटका बोर्ड की ओर से SSLC परिणाम के बारे में बड़ी अपडेट सामने आ रही है। इसके मुताबिक कर्नाटका सेकेंडरी स्कूल लिविंग सर्टिफिकेट SSLC यानी 10वीं परीक्षा 2020 का रिजल्ट 10 अगस्त यानी कि आज दोपहर 3 बजे रिजल्ट की पोर्टल पर जारी किए जाएंगे। इसी बीच कुछ मीडिया साइट्स द्वारा सूचना दी गई थी कि कर्नाटका बोर्ड SSLC का परिणाम 7 अगस्त 2020 को घोषित किया जाएगा जबकि कई अफवाहों और भ्रामक सूचनाओं को दरकिनार करते हुए शिक्षा मंत्री एस सुरेश कुमार ने पुष्टि की थी कि कर्नाटका बोर्ड SSLC परिणाम 7 अगस्त 2020 को घोषित नहीं किया जाएगा। वहीं अब साफ हो गया है कि रिजल्ट 10 अगस्त यानी कि आज दोपहर 3 बजे परिणामित किए जाएंगे। कोरोना काल में तमाम अटकलों और परीक्षा के विरोध के बावजूद भी कल यानी कि 9 अगस्त को UP BEd प्रवेश परीक्षा 2020 का आयोजित किया गया था। दरअसल आशंका जताई जा रही थी कि COVID-19 के बढ़ते संक्रमण के चलते परीक्षा को स्थगित कर दिया जाएगा। इसको लेकर तमाम छात्रों ने विरोध भी दर्ज कराया था लेकिन आखिरकार परीक्षा का आयोजन लखनऊ यूनिवर्सिटी ने तमाम अटकलों के बाद साफ कर दिया था कि परीक्षा अपने तय शेड्यूल के मुताबिक 9 अगस्त को ही होगा। इसके अनुसार कल यह एग्जाम 2 पालियों में किया गया। इसके पहली शिफ्ट सुबह 9 से 12 हुई थी वहीं दूसरी शिफ्ट दोपहर 2 से 5 बजे तक हुई थी। राज्य में 73 जिलों में निर्धारित परीक्षा केंद्र पर 2 पालियों में आयोजित की जाएगी ये परीक्षा। इस वर्ष की BEd प्रवेश परीक्षा में 431,904 परीक्षार्थी सम्मिलित हुए हैं।
तो एजुकेशन न्यूज़ में इतना ही। हमें उम्मीद है आपको एपिसोड पसंद आई होगी। अगर वीडियो को लाइक शेयर नहीं किया तो लाइक शेयर कर देना, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलना। धन्यवाद।